हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस लर्निंग्स। आज हम एनपीओ चैप्टर से एक और क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन भी कंज्यूमेबल आइटम पर बेस्ड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हमें इसमें निकालना है कि हमने इस साल कितनी स्टेशनरी कंज्यूम की है। यहाँ पर गिवन है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल, ये ओपनिंग स्टॉक गिवन है स्टेशनरी का। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019, ये ओपनिंग का बैलेंस है क्रेडिटर्स का। यहाँ पर एक ये नई चीज आ गई है, एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी कैरी फॉरवर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यानी हमने लास्ट ईयर ही कुछ एडवांस पे कर रखा था क्रेडिटर्स को, तो ये हमारी एसेट्स है, यानी ये क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है जो हमने पहले से ही पे कर रखा है। तो इसे हम डेबिट में दिखाएंगे, टू बैलेंस पीडी। जब आप क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओगे तो जो आपने क्रेडिटर्स को एडवांस पे कर रखा है वो बैलेंस है। इसके बाद अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये हमने अमाउंट पे किया इस साल। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020, ये हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स का बैलेंस है जो हमें पे करना है क्रेडिटर्स को। इसके बाद गिवन है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020, जिन क्रेडिटर्स को हमने एडवांस पे कर रखा है उनका ये क्लोजिंग में बैलेंस है ₹3000। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्रेडिटर्स का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी है और ओपनिंग एडवांस है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हम जो गुड्स परचेज करते हैं एक ही सप्लायर से हम परचेज नहीं करते हैं, हम कई लोगों से परचेज करते हैं और क्रेडिटर्स का जो अकाउंट बना रहे हैं हम बना रहे हैं इकट्ठा एक्युमुलेटेड। तो इसमें कुछ लोगों को हमने एडवांस पे कर रखा है और कुछ लोगों को हमें पे करना है, तो इस वजह से यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नजर आ रहा है और ओपनिंग एडवांस भी नजर आ रहा है। जो ओपनिंग एडवांस होगा उसे हम स्टार्ट करेंगे टू बैलेंस बीडी से, और जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा उसे हम दिखाएंगे बाय बैलेंस बीडी में जब आप क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक हम बनाएंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट स्टॉक हमारी एसेट से डेबिट से इंक्रीज होगी और क्रेडिट से डिक्रीज होगी। एक हम बनाएंगे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, ये डेबिट से डिक्रीज होगी और क्रेडिट से इंक्रीज होगी। सबसे पहले गिवन है स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी टू बैलेंस बीडी 30,000। नेक्स्ट है ओपनिंग क्रेडिटर्स बाय बैलेंस बीडी ₹20,000। इसके बाद है हमने एडवांस पे कर रखा है ईयर के बिगिनिंग में क्रेडिटर्स को टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग एडवांस है ₹2000। नेक्स्ट है हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की इस साल 1,08,000 की, इससे हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, जिसे हम दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट 1,08,000। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है स्टेशनरी का बाय बैलेंस सीडी ₹5,000। इसके बाद क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस सीडी ₹13,000। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020, ये हमने क्रेडिटर्स को ईयर के एंड में एडवांस पे कर रखा है बाय बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग एडवांस है ₹3,000। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ जो आइटम गिवन थे उसको हमने अकाउंट में पोस्ट किया है। अब सबसे पहले हम क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1,23,000। ये भी 1,23,000।
क्रेडिटर्स अकाउंट से हम परचेज निकालते हैं कि हमने इस साल कितना उधार परचेज किया है, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट में और डिफरेंस से निकाल लेंगे, ये आएगा 1 लाख। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट 1 लाख। इसको भी क्लोज कर देंगे। देखिए सबसे पहले ईयर के बिगनिंग में हमारे पास 30,000 की स्टेशनरी थी, 1 लाख की हमने परचेज कर ली, टोटल स्टेशनरी हो गई हमारे पास 1,30,000 की। और ईयर के एंड में हमारे पास बची है 5,000 की स्टेशनरी, बाकी हमने कंज्यूम कर ली। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और ये आएगा 1,25,000, टोटल 1,30,000 और ये हमने कंज्यूम किए हैं, यही हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में आपको कितनी आपने स्टेशनरी कंज्यूम की वो फाइंड करना था, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।